कभी कभी हमें ऐसे लगता है ना कि सारी दुनिया हमें जज कर रही है, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, यार पेरेंट्स क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, अगर मैं ये करूं तो क्या होगा। और हम इसी सोच को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं ना कि हम वो काम करते ही नहीं जिसके लिए हमने इनिशियली वी थॉट अबाउट डूइंग दैट। आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन डू सो यू स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। कैसे आप इस सोच को बंद करो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरा नाम है राहुल बडेसरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायरमेंटली, इट्स अ पर्सनल केयर ब्रांड फॉर रिस्पॉन्सिबल मैन लाइक योर सेल्फ। और मेरे साथ भी ये बहुत जिंदगी में काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैं सोचता रहता था कि यार लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे। इस चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चीज़ें डिले करी, बट इवेंचुअली जब कोरोना आया ना, लॉकडाउन हुआ, तो ऐसे समय पे मैं पहुंच गया था जहां से मैं वॉज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बिकॉज मैं लाइव इवेंट्स में था, स्पोर्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था, जो बिल्कुल बंद हो गई थी उस टाइम पे। तब दिमाग जब काउच पोटेटो बन के नेटफ्लिक्स देख देख के जिंदगी रुक सी गई थी, फाइनली जब ब्रेन खाली हुई इतने सालों के बाद काम करते करते, तो सोचने का मौका मिला कि यार अब नेक्स्ट करना क्या है। जब भी आप जिंदगी में एक नया स्टेप लेने लगते हो ना, तो आपके दिमाग में आता है यार मैं ये करूंगा तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मेरी वाइफ क्या सोचेगी, या मेरी पार्टनर क्या सोचेगी, गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी। और द बेस्ट पार्ट इज कि ये सिर्फ आपके दिमाग में है, इसको स्पॉटलाइट इफेक्ट बोलते हैं। है ना, हमें लगता है कि हमारे सर के ऊपर एक स्पॉटलाइट है और सब हमें ही देख रहे हैं, सारी चीजें दिमाग में एकदम से क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, और फिर वो करते हैं सेल्फ डाउट को क्रिएट, और वहां से फिर वो ड्रीम जो होती है ना वो वहीं खत्म हो जाती है। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर ओन सेल्फ, योर ओन इंटरेस्ट, योर ओन ड्रीम्स बिफोर एवरीथिंग एल्स। जब मेरी पहली यूट्यूब की वीडियो आने वाली थी, आई के नॉट टेल यू इतना ज्यादा सेल्फ डाउट था, इतना ज्यादा मैं परेशान हो रहा था। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू नॉट थिंक अबाउट व्हाट एनीबॉडी एल्स थिंक्स, सो दैट इज व्हाट टेक्स द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर यू, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू वर्क towards achieving. So now another step that you can take is find your why. अपनी जिंदगी में ना एक purpose ढूंढो। When I say purpose, what do I mean? एक बड़ा सा शब्द लगता है ना purpose की, यार मतलब इसके पास purpose नहीं है, इसके पास ये नहीं है। purpose का मतलब कि आपको किस चीज़ में interest आता है, किसके ऊपर आप अपनी जिंदगी के 10, 20, 30 साल, 50 साल लगा सकते हो। So I thought content creation and personal care का problem जो मुझे समझ में आया था, मैं ये solve करना चाहता हूँ और एक community build करना चाहता हूँ, और इसके ऊपर मैं अगले 10, 20 साल लगा सकता हूँ। तो जब आपकी ड्रीम, आपका पर्पस आपको मिल गया है, यू हैव टू फोकस एंड बिकम दैट हॉर्स इन द रेस, हु इज़ नॉट लुकिंग लेफ्ट, हु इज़ नॉट लुकिंग राइट। कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। अगर आपको कंपेयर करना है तो सिर्फ अपने आप को कंपेयर करो, जो आप पिछले साल थे वर्सेस आज, आप कहाँ हो उस जर्नी के अंदर, कहाँ तक पहुँच पाए, उसको ट्रैक करो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक फॉर यू, एंड यू नो फाइंड टाइम टू वर्क ऑन योर गोल, योर ओन विजन एंड ड्रीम फॉर योर लाइफ, राइट। अब इसके ऊपर काम करने के तरीका स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सिंपल है, अपनी लाइफ में रूटीन्स बनाओ। आई स्टार्टेड वेकिंग अप एट 5 AM, देन आई बिल्ट रूटीन फॉर माई सेल्फ वन आफ्टर दी अदर, आई स्टैक्ड माई हैबिट्स, हैबिट बिल्डिंग के ऊपर मैंने काम करा। एक गोल मुझे क्लियर मिल गया था कि मुझे करना क्या है, अपना स्टार्टअप लॉन्च करना है, एक कम्युनिटी बनानी है, यूट्यूब पे कॉन्टेंट बनाना है, फिर एक पॉडकास्ट लेकर आना है। ये सारी चीज़ें उस एक बड़ी ड्रीम का छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मैं लेता रहता हूँ, हर रोज इनके ऊपर काम होता है। अब इस जर्नी के अंदर थॉट के साथ साथ ना नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं दिमाग के अंदर कि यार ये नहीं होगा तो वो क्या, ये क्या, यू नो, सो दैट जस्ट कीप्स कमिंग इन। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि थॉट्स तो आपके दिमाग के अंदर आती रहती हैं। बट इसका एक ट्रिक मैंने बहुत सही सीख लिया, मतलब मैंने किसी बुक में पढ़ा था ये, और वहाँ पे एक सही मेरे को चीज़ समझ में आई कि हमारे पास पावर है कि हम नया थॉट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे आपके दिमाग के अंदर कोई थॉट आ रहा है कि नेगेटिव थॉट है कि मेरे नौकरी अभी बहुत स्ट्रेस में चल रही है, या मेरा बॉस मेरे को क्या बोलेगा, वर्सेस हाउ कैन यू चेंज दैट इनटू अ पॉजिटिव थॉट कि यार आई एम फोकसिंग ऑन माय गोल, आज मैं अपना वर्कआउट खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना काम के ऊपर फोकस करूंगा, आज मेरी इस मीटिंग के लिए मैं तैयार होकर जाऊंगा, यू नो आई विल रीड अप ऑन दैट पर्सन दैट आई एम मीटिंग। तो ये नई थॉट्स हो गई जो आपने इंट्रोड्यूस करी, वर्सेस जो एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में चल रहा था। दूसरा एक और इसके अंदर आप बदलाव ला सकते हो, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अब कई बार ना लोग ही टॉक्सिक होते हैं यार, मतलब कईयों के अनफॉर्चुनेटली माँ बाप टॉक्सिक होते हैं, कईयों के दोस्त, कईयों के पार्टनर्स टॉक्सिक होते हैं। व्हेन आई से टॉक्सिक आई मीन उनका एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न होता है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि आप उनसे अपना इंटरेक्शन कम कर दो। दिस इज द बेस्ट वे दैट यू कैन कट आउट नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ, रिड्यूस द इंटरेक्शन और कट इट ऑफ कम्प्लीटली। देन यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस। अब फोकस आपका, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक ड्रीम आ गई है, आपकी जिंदगी में अपने गोल्स हैं, आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आप फालतू की चीज़ों पर तो वैसे ही ध्यान नहीं दोगे। दूसरे क्या सोच रहे हैं आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको सीधा अपना ड्रीम, अपना सपना नजर आ रहा है, बस उस पर काम करो। तो यार ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आई बीन एबल टू पुट टुगेदर ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ एंड माई जर्नी। डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उसमें से आपको कुछ हेल्पफुल लगा, नहीं लगा। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एंड अंटिल देन रिमेंबर लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।